Assalamu alaikum dear friends and welcome back. So in the study terminology and phrenology today we are going to discuss hypersensitivity. Hypersensitivity ya allergy. So generally agar hum is word ko discuss karein hypersensitivity, it means ke hamara immune system hypersensitive ho jata hai. So uske natije mein kya hota hai, kuch allergen ya एंटीजन के अगेंस्ट हाइपरसेंसिटिविटी शो करता है। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि हमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं और वो साइन एंड सिम्टम्स माइल्ड से लेके सीवियर साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके नतीजे में कुछ रेशेज, कुछ स्वेलिंग्स, एडिमा एक्सेट्रा हो सकता है और इवन के डेथ तक की जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन से पढ़ते हैं। Generally, the immune system is protective. Protective mechanism may result in severe damage to tissue and may lead to death. So, in this case, when we have any allergen ingest or any antigen that is harmless, so in this case, our body defends itself. Our body recognizes it as a harmful antigen or allergen. But actually, they are not harmful or any type of damage causing antigen. So our immune system is to defend karne ke liye apne aap ko hi damage kar deta hai, kyunki our immune system isko aise recognize karta hai jaise ki koi damage causing antigen hai. When severe damage may occur in the immune system responding in exaggerated or inappropriate form. So सीवियर डैमेज कब काज होता है, जब हमें हमारी इम्यून सिस्टम एक एग्जैजरेटेड या इनअप्रोप्रिएट फॉर्म में रिएक्ट करे उस एलर्जन या एंटीजन के अगेंस्ट। एग्जैजरेटेड मीन्स के अपनी जरूरत से ज्यादा, जितनी रिक्वायर्ड ना हो उससे ज्यादा रिस्पॉन्ड करें तो इसको एग्जैजरेशन कहते हैं, या इनअप्रोप्रिएट फॉर्म में या नॉट नॉर्मल वे मीन्स के एक नॉर्मल तरीके से नहीं एक इनअप्रोप्रिएट फॉर्म में। कॉमन एलर्जेंस इंक्लूड पोलन एंड सर्टेन फूड्स। कॉमन एलर्जन जो है वो हमारे पास पोलन होते हैं जो फूलों से अक्सर निकलते हैं, जो पाउडर टाइप के होते हैं फूलों पर, जिसको हम सीड भी कहते हैं। तो उनसे अक्सर लोगों को एलर्जी होती है और कुछ को फूड से होती है, जिस तरह नट से होती है कुछ लोगों को, और इस तरह ड्रग से भी हो सकती है। ठीक है, मेटल्स एंड अगर सब्सटेंस में आल्सो काज प्रॉब्लम, तो मेटल्स या इसके अलावा और भी कुछ सब्सटेंस है जिनसे भी हमें एलर्जी हो सकती है या हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। फूड, इंसेक्ट स्टिंग एंड मेडिकेशन एंड अदर कॉमन आर कॉमन काजेस ऑफ सीवियर रिएक्शन। तो इसके अलावा जो अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट स्टिंग से भी हमें एलर्जी हो सकती है, और मेडिकेशन जिस तरह पेनिसिलिन को कुछ लोगों से एलर्जी होती है, और अगर आप ड्रग्स की अगर जो मेडिसिन होती है इसकी अगर आप ड्राइवर ओपन करें तो उनमें अक्सर लिखा होता है कि जिनको ड्रग्स से एलर्जी है वो इसको ना लें। तो इस तरह कुछ ड्रग्स से एलर्जी भी हो सकती है। और ये जो एलर्जी की हम बात कर रहे हैं ये बेसिकली सारे पॉपुलेशन में नहीं पाई जाती है, ये 10-15% ऑफ द पॉपुलेशन में इस तरह की एलर्जीज पाई जाती है। आपने जिस तरह देखा होगा कुछ लोगों को एलर्जी इस तरह होती है कि वो जब मॉर्निंग वॉक करते हैं तो फिर उनको सर में दर्द शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से फिर उनके जो अपर हेड रीजन है उसमें पेन होता है और नेजल फ्लू होती है। तो मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में जो हमारे पास जो एनवायरनमेंट होती है, जो हवा होती है, उसमें पोलन की जो मकदार होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जो फ्रेश एयर आती है ना तो उसमें अक्सर पोलन ज़्यादा होते हैं। तो इस पर अगर हम स्टिंग की बात करें तो स्टिंग से कुछ लोगों को होती है और फूड से भी होती है, जिस तरह सोयाबीन, एग, फिश, तो फिश से भी इवन लोगों को एलर्जी होती है। सो The term allergy is often equated with the hypersensitivity, but more accurately should be limited to the IgE-mediated reaction discussed later. So,
जो एलर्जी का वर्ड है वो हम हाइपर सेंसिटिविटी के साथ इंटरचेंजबली यूज करते हैं, बट मोस्टली एलर्जी वर्ड जब हम उनकी टाइप्स की बात करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी की, तो एलर्जी वर्ड फिर हम टाइप 1 सेंसिटिविटी के लिए यूज करते हैं जो कि इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी है, जो कि क्विक होती है और इसमें सडन रिस्पॉन्स हमें मिलता है एलर्जन के इंजेक्ट होने से। The clinical manifestation of these reactions are typically in a given individual and occur on contact with the specific antigen to which the individual is hypersensitive. तो जो बंदा जिस allergen के लिए sensitive होता है तो हमें उसके contact के बाद ही mostly उसके reaction जो उसके symptoms and symptoms हैं उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं। The first contact of the individual with the antigen sensitized, i.e. induce the antibody, and the subsequent contact elicit the allergic response. तो होता क्या है, जब हम पहली मर्तबा किसी एलर्जन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या कोई पोलन है या कोई फूड है या मेडिसिन है या जो कुछ भी है, तो जब हम उसको फर्स्ट टाइम इंजेक्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम उसको हम किसी तरह से लेते हैं, तो हमें उस टाइम कोई रिएक्शन नहीं होता, उस टाइम हमारी सिर्फ सेंसिटिविटी बन जाती है, हमारे हम सिर्फ सेंसिटाइज हो जाते हैं उसको, उस एलर्जन को। सेंसिटाइज किस तरह होते हैं, सेंसिटाइज इन सेंस के हमारे इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इसको एज अ हार्मफुल सब्सटेंस कंसिडर करता है, और इसके पहले आने से, पहले एक्सपोजर से हम हमारी इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती है, ताकि ये एलर्जी या एंटीजन दोबारा आए तो वी विल अटैक देम। तो हमारा इम्यून सिस्टम खुद को इस तरह प्रिपेयर करता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 4 मेन टाइप्स। इसके हमारे पास 4 मेन टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 एंड टाइप 4। जो टाइप 1 एंड टाइप 2 एंड टाइप 3 हैं ये एंटीबॉडी में रिलेटेड है, इसमें हमारे पास एंटीबॉडी बनती है और वही एंटीबॉडी पर रिस्पॉन्ड करती है और हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। Whereas type 4 is a cell mediated, और type 4 में हमारे पास सेल इन्वॉल्व होते हैं, सेल मेडिएटेड होती है, उसमें हमारे पास डायरेक्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होती और इसमें टी सेल वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। Type 1 reactions are mediated by IgE, whereas types 2 and 3 are mediated by IgG. तो जो type 1 reaction है, hypersensitivity type 1, इसमें हमारे पास IgE antibody involved होती है और type 2 and 3 में IgG involved होती है। तो मैं अभी आप लोगों को दो picture दिखाता हूँ, ये देख लें, ये बच्चे को देख लें, इसको किसी mosquito या किसी इंसेक्ट्स ने बाइट किया हुआ है और इसको एडिमा हुआ है इससे, जो कि एक सीवियर फॉर्म अख्तियार कर गई है और इवन ये बच्चा उसे अंत भी नहीं खोल सकता है। और दूसरे साइड पर देख लें, यहाँ पर हाइव जिसको रिकेरिया भी कहते हैं, स्किन पर रेशेस आए हुए हैं और कुछ एलर्जी के रिस्पॉन्स में। तो इसके हमारे पास, हमने जिस तरह पहले डिस्कस की कि इसके 4 क्लासेस हैं, तो ये क्लासिफिकेशन कूम्स एंड बिल क्लासिफिकेशन है बेसिकली, ठीक है। ये टाइप 1 है, इमीडिएट है और इसको हम एटॉपिक या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी कहते हैं। एटॉपिक मीन्स के वो टेंडेंसी हमारी बॉडी की, इसकी वजह से हम किसी खास पोलन या एलर्जन या एंटीजन को सेंसिटिव हो और इसकी वजह से हमें एलर्जी काज हो, तो इसको एटॉपिक कंडीशन कहते हैं। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो बंदे बहुत ही कम पॉपुलेशन में लोग इसे होते हैं जो एटॉपिक होते हैं, जो एलर्जिक होते हैं, तो बहुत ही कम कंडीशन में कम लोग ऐसे हमें मिलते हैं जो कि एलर्जिक होते हैं। और फिर डिफरेंट चीज़ों के लिए मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर हमने पहले डिस्कस किया, उनसे एलर्जी होती है। और फिर वही एलर्जन हमें सिम्टम्स पास करते हैं। ओके, टाइप 2 है, टाइप 2 जो हाइपर सेंसिटिविटी है ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट है,
और टाइप थ्री हम ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह एंटीबॉडी डिपेंडेंट है। और टाइप थ्री अम्यून कम्प्लेक्स है, अम्यून कम्प्लेक्सेस बनते हैं, ठीक है। टाइप फोर सेल मेडिएटेड और डिलेड, और ये एक सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी है, तो हम डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी भी कहते हैं क्योंकि इसके डेवलप होने में टाइम लगता है, सडन नहीं होता जिस तरह टाइप वन होता है हमारे पास। तो ये डायग्राम देख रहे हैं आप लोग, इसमें ये सारी हमारी लेक्चर की डिस्कशन होगी इसमें। तो आगे हम ये जितने भी टाइप्स वन बाई वन पढ़ेंगे, तो ये लेक्चर जनरली एक और ही है इन चारों टाइप का। तो इसमें आप लोग देख ले टाइप वन, टाइप वन क्या है, आईजीई मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी है। इसमें क्या होता है, एंटीजन इंड्यूस्ड क्रॉस लिंकिंग ऑफ आईजीई बाउंड टू मास्क सेल्स एंड रेजर सेल्स विद रिलीज ऑफ रेजर एक्टिव मेडिएटर। तो टाइप वन में क्या होता है बेसिकली, इस तरह मैंने पहले बताया कि हम जब एलर्जी को एक्सपोज होते हैं तो उसके बाद वो एलर्जी जो कि हार्मलेस होता है, या एंटीजन जिसको भी हम कह सकते हैं, जो कि हार्मलेस होता है और हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, तो हमारी इम्यून सिस्टम इसको कैप्चर करता है और इसको ऐसा कंसीडर करता है जैसे ये कोई हार्मफुल एंटीजन या एलर्जन है, तो उसको उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनानी शुरू करती है। तो ये एंटीजन दूसरी बार आता है तो इसके अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडीज बन जाते हैं। कौन से एंटीबॉडीज, आईजीई एंटीबॉडीज, और वो आईजीई प्रोडक्शन के बाद ये आईजीई एंटीबॉडीज कहाँ पर जाते हैं, ये टिश्यूज में जाते हैं, टिश्यूज में हमारे पास मास्क सेल होते हैं और मास्क सेल पर ये बाइंड होते हैं क्योंकि इनके जो रिसेप्टर है एफसी रिसेप्टर जो एफसी पोर्शन है आईजीई का, उसके रिसेप्टर मास्क सेल पर प्रेजेंट होते हैं। तो एफसी रिसेप्टर के थ्रू ये मास्क सेल पर बाइंड हो जाता है और वहीं पर फिर ये रिजाइड करते हैं, और जब ये एलर्जन दोबारा बॉडी में इंटर होता है तो फिर ये जैसे ही टिश्यूज में चला जाता है तो टिश्यूज में ये एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है, एंटीबॉडीज के साथ, और इसके लिए इंटरेक्शन के लिए दो एंटीबॉडीज रिक्वायर्ड होते हैं जो क्रॉस लिंक हो। तो जैसे ही ये बाउंड हो जाते हैं तो हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो सेल को रिस्पॉन्ड देती है कि जिस एंटीजन का या एलर्जन का हमें इंतजार था वो पहुंच गया है। तो इसके बाद क्या होता है, जो मास्क होते हैं जिस पर एलर्जन बाउंड होता है एंटीबॉडीज के थ्रू, वो हिस्टामिन या डिफरेंट केमिकल मेडिएटर्स रिलीज करना शुरू कर देता है, और इस वजह से जो टिश्यूज में ये रिलीज होते हैं, तो इस वजह से हमें रैशेज, ये खारिश किसी को फील होता है, किसी को रैशेज और डिफरेंट अदर सिम्टम्स फील होना हमें शुरू हो जाता है, ठीक है। टिपिकली मैनिफेस्टेशन इंक्लूड सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस एंड लोकलाइज एनाफाइलेक्सिस। तो सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस भी विकास कर सकता है जो टाइप वन है। सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस में क्या होता है, सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस में हमारे पास मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल लोकेशन इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बात करें कि हमारी जो स्किन है टाइप वन में हमारे पास स्किन इन्वॉल्व है, तो इस सिस्टमिक में हमारे पास स्किन के साथ साथ इसके साथ कुछ और ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अगर हम लोकलाइज की बात करें तो लोकलाइज सिर्फ एक ही लोकेशन पर प्रेजेंट होती है। अगर हम स्किन की बात करें तो ये सिर्फ स्किन पर प्रेजेंट होती है और बाकी इसकी स्प्रेड नहीं होती और सिर्फ इसी पे ही प्रेजेंट होती है इस लोकेशन पे। तो लोकलाइज एनाफाइलेक्सिस सच एज हे फीवर, अस्थमा, हाइव्स, फूड एलर्जी एंड एक्जिमा। तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल है टाइप वन की। और इसके बाद टाइप टू कहते हैं, ये आईजीजी मेडिएटेड है, साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी भी इसको कह सकते हैं। एंटीबॉडी डायरेक्टेड अगेंस्ट सेल सरफेस एंटीजन मेडिएट्स सेल्स डिस्ट्रक्शन व्हाइल कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन और एजीडीसी सी सी एडीसी मींस एंटीबॉडी डायरेक्टेड साइटोटॉक्सिक सेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज साइटोटॉक्सिक सेल पे जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं वो डायरेक्ट एक्ट करती है अगेंस्ट दो एलर्जन या एंटीजन। तो वो एलर्जन जब बॉडी में एंटर होता है तो इसको सेल प्रोसेस करके अपने सरफेस पे डिस्प्ले करता है, और डिस्प्ले करने के बाद हमारी सिस्टम इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेता है, और वो एंटीबॉडीज साइटोटॉक्सिक सेल के जो सरफेस पे प्रेजेंट होती है तो वो इसके अगेंस्ट
एक्ट करती है और सेटोकॉक टी सेल इस तरह हमारे जो टिश्यू सेल्स हैं उनके ऊपर एलर्जन प्रेजेंट होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं इसी तरह। और इसमें इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन भी होती है। टिपिकल मैनिफेस्टेशन इंक्लूड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एरिथ्रोब्लास्टोसिस कुटेलस एंड ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। अच्छा तो टाइप 3 में क्या होता है, इसमें हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ठीक है, इसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी भी कहते हैं। और इसमें हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जो कि हमारे पास टिश्यूज में ट्रैप होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं तो टिश्यूज में एक ब्लॉकेज टाइप का कार्य करते हैं और इसमें डिफरेंट सेल ट्रैप होते हैं फिर, ठीक है, और इस तरह इट कॉजेस प्रॉब्लम्स। और ये इसमें हमारे पास जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो कॉम्प्लीमेंट की होती है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। टिपिकल मैनिफेस्टेशन इंक्लूड लोकलाइज आर्थ्रोसिस रिएक्शन एंड अगर हम लोकल रिएक्शन की बात करें तो एग्जांपल हमारे पास आर्थ्रोसिस रिएक्शन है, और अगर जनरलाइज रिएक्शन की बात करें तो सच एज सीरम सिकनेस, नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस। तो ये जो हमारे पास जनरल रिएक्शन है उसके एग्जाम्पल्स हैं, इसको हम वैसे भी डिटेल से पढ़ेंगे तो आप लोगों को मजीद इसके मैकेनिज्म की समझ आ जाएगी। और इसके बाद है टाइप 4, इसमें क्या होता है, टाइप 4 को हम सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी भी कहते हैं। इसमें एलर्जी आती है, ठीक है, एलर्जी को सेंसिटाइज्ड की हेल्पर वन सेल्स कैच करती है, ठीक है, उसको कैप्चर करती है। और जो सेंसिटाइज किस तरह हुए होते हैं, जब एक दफा एक्सपोजर हो जाए तो इसके बाद जो एंटीजन या एलर्जी है तो ये दोबारा बॉडी में आती है, तो इसके अगेंस्ट टोटल सेल्स सेंसिटाइज हुए होते हैं, ठीक है, हेल्पर सेल्स। तो वो सेंसिटाइज सेल्स क्या करेंगे, उसको कैप्चर करेंगे एंटीजन को, और इसकी कैप्चरिंग के बाद ये एंटीजन को प्रोसेस करेगी और उसके अगेंस्ट सर्टन एंटीबॉडीज बनाएगी, ठीक है, और उस एंटीबॉडीज के नतीजे में जब ये इसके साथ रिएक्शन करती है तो इसके बाद सर्टन साइटोकाइंस रिलीज करता है हेल्पर सेल। और वो साइटोकाइंस क्या करते हैं, वो हमारे पास मैक्रोफेजेस एक्टिवेट करते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास सेल्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे साइटोकाइंस टी हेल्पर वन सेल्स रिलीज साइटोकाइंस दैट एक्टिवेट मैक्रोफेजेस और टी सेल व्हिच मीडिएट डायरेक्ट सेल डैमेज, ठीक है, तो ये डायरेक्ट सेल डैमेज कॉज करती है। और इसके जो एग्जांपल हैं कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, ट्यूबरकुलर लेजंस एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन, तो ये हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टाइप 1 से शुरू होते हैं, वन बाई वन थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे ताकि इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म आप लोगों को समझ आ जाए।